खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां घाघरा नदी में बढ़ रहे जलस्तर के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों में लेखपालों को भेजकर ग्रामवार परिवारों की मैपिंग करा लें। इसी के साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किन किन ग्रामों में बड़ी व छोटी नाव कितनी संख्या में लगाई जाएगी, इसकी भी कार्य योजना तैयार कर लें और प्राइवेट नाव वालों से भी बात कर लें। इसी के साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिन ग्रामों में सबसे पहले पानी आने की संभावना है, वहां से ग्रामीणों को निकालने के लिए नाव की व्यवस्था पहले ही कर लें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ के कारण जो भी परिवार बंधों पर तथा आश्रय स्थलों पर विस्थापित होंगे, उनके खाद्यान्न का पैकेट एवं लंच व्यवस्था हेतु कार्य योजना पहले से ही तैयार कर लें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किन किन स्थानों पर पका हुआ भोजन विस्थापित हुए परिवारों को दिया जाएगा एवं पका हुआ भोजन किन किन स्थानों पर बनाया जाना है, उसका पहले से ही चिन्हांकन कर ले। इसी के साथ किरासन तेल की व्यवस्था कर ले। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक ग्रामों में अभियान चलाकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गुरु प्रसाद, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के सिंह, एसडीएम सगड़ी अरविंद कुमार सिंह, बाढ़ खंड ऑक्सीजन पीडब्ल्यू एक्सएन डीएसपो देवमणि मिश्रा, डीपीआरओ लालजी दुबे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।